आखिरकार अमर सिंह को आज बेल मिल ही गई। मोहित, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने हालांकि खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है, और क्या कुछ आदेश दिए हैं कोर्ट ने, क्या कुछ कहा है? देखिए, अमर सिंह के वकील की तरफ से उनकी तबीयत का हवाला दिया गया। एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी क्रिटिकल हालत होने की बात कही गई थी, जिसके बाद अमर सिंह के वकील ने कहा कि अमर सिंह को हर हाल में बेल देनी चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है और उनको अभी थोड़ी सी राहत मिलनी ही चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अमर सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर एक पर्सनल बॉन्ड के बाद जमानत दी जा सकती है। उसके अलावा उनको कहा गया है कि उनको अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा कराना होगा, वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं, अदालत के न्याय क्षेत्र के अंदर ही उनको रहना होगा। तो फिलहाल वो एम्स में उनका इलाज चल रहा है और अब रिलीज ऑर्डर यहां से निकलकर तिहाड़ में जाएगा। तिहाड़ में जाने के बाद फिर एम्स में जाएगा, उसके बाद उनको रिहा किया जा सकता है और 19 तारीख को उनकी जो रूटीन बेल एप्लीकेशन है उसके ऊपर सुनवाई होगी कि इस पूरे मामले में उनको कैश फॉरवर्ड में जो चार्जशीट में जो उनका नाम आया है उसके ऊपर क्या उनको बेल मिल भी सकती है नहीं। जी, यानी कि मोहित, ये साफ होता है कि 19 सितंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। क्या लगता है, एक बार फिर से ये तारीख एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि अमर सिंह की सेहत ठीक नहीं चल रही है और अगर ऐसी ही उनकी सेहत बनी रही तो आगे ये इस डेट को और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अमर सिंह के वकीलों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी जो उन्होंने अंतरिम जमानत जो मांगी थी वो भी बिल्कुल मेडिकल आधार पर मांगी थी, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और अगर 19 तक उनकी हालत में सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर्स की तरफ से वो एक नई रिपोर्ट लेकर आएंगे और अगर डॉक्टर्स ने कहा कि जहां उनका पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है यानी सिंगापुर में, वहां उनको ले जाने की जरूरत है तो उसको आधार बनाते हुए 19 तारीख को जब बेल एप्लीकेशन पे नॉर्मल बेल एप्लीकेशन पे जब सुनवाई होगी तो अमर सिंह के वकील पूरी तैयारी में वहां पर आएंगे और मेडिकल आधार पर ही फिर से रूटीन जमानत मांगी जाएगी, क्योंकि उनका यह कहना है कि अमर सिंह का जो किडनी ट्रांसप्लांट जहां से हुआ है उनको वहीं से इलाज लेना उनके लिए आवश्यक है, तो इसी आधार को बनाकर वो लोग फिर से जमानत की मांग करेंगे। लेकिन अभी देखना होगा कि अदालत ने पहले भी काफी ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स पर कई ऐसी रिपोर्ट्स मांगी। एम्स में अगर अमर सिंह एडमिट हुए तो एम्स के डॉक्टर्स की एक बोर्ड बनाया गया, वहां से एक रिपोर्ट आई, उसके बाद जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी, तो कई ऐसी रिपोर्ट्स को आधार बनाने के बाद अब इंटरिम बेल दी गई है। तो अब सभी अमर सिंह की तरफ से उनके जितने भी वकील हैं वो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि 19 तारीख को भी मेडिकल आधार पर अमर सिंह को बेल मिल जाएगी और बार बार अमर सिंह के वकीलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो हर तरह से जांच में सहयोग देने को तैयार हैं। जब भी उनको कहा जाएगा कि अदालत में पेश होना है तो अमर सिंह यहां पर पेश होंगे, तो उनको उम्मीद यही है। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट क्या रुख इख्तियार करती है और 19 तारीख को जब नॉर्मल रूटीन बेल पर जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या निकल कर आता है। जी नेहा, जी मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अमर सिंह को अंतरिम बेल कोर्ट ने यहां पर दे दी है, 19 सितंबर तक अंतरिम बेल उन्हें मिली है। हालांकि पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया है, वो देश से बाहर या फिर दिल्ली के बाहर भी नहीं जा सकते हैं।